कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को रूट मार्च रैली निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर की गई अपील खारिज कर दी। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ही संघ को तय मार्गों से मार्च निकालने की इजाजत दे दी थी। तमिलनाडु सरकार ने इस मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु की डीएमके सरकार की याचिका खारिज कर दी है और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरएसएस की रूट मार्च रैली को तय रूट से निकालने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि आरएसएस ने बीते वर्ष 2 अक्टूबर को तमिलनाडु में 51 जगहों पर रूट मार्च रैली निकालने की घोषणा की थी। इस पर राज्य की डीएमके सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार की दलील थी कि कई जिले ऐसे हैं जहां सड़क पर मार्च से खतरा हो सकता है। राज्य सरकार सीमित जगहों पर अनुमति देना चाहती थी, लेकिन सड़क पर नहीं बल्कि बंद परिसर में। वहीं आरएसएस ने इसे शांतिपूर्वक तरह से एकत्रित होने के मौलिक अधिकार का हनन बताया था। डीएमके सरकार के रवैये पर आरएसएस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने आरएसएस को रैली की मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस फैसले के खिलाफ डीएमके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसे अब शीर्ष अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।